नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस बार बिना स्टैंड की इडली और सांबर, बहुत ही टेस्टी वाला जो कि कुकर में 10 मिनट बन जाएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जब हमें इडली सांभर खाना हो और फटाक से बनाना हो सांभर, तो हमें क्या करना चाहिए ये मैं आपको इस रेसिपी में बनाने वाली हूँ कि सांभर कितने इजीली बनता है। और आप देख ही सकते हैं कि कितना टेस्टी और उसका टेक्सचर भी कितना अच्छा लग रहा है, इतने ही खाने में भी टेस्टी था। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है ना, ये मैंने थोड़े गर्म पानी में इमली को भिगो के रखा है, और ये देखिए 10 मिनट करीबन मैंने भिगो के रखा था, और साथ में आपको तुअर की दाल भी भिगो के रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और इसके जो पीसेज है ना इसको अच्छे से कर लिया है। अगर आपको हाथ से नहीं करना है तो आप जो स्पैचुला आता है उससे भी कर सकते हैं, स्पून से कैसे भी कर सकते हैं। तो ये इमली का पानी रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैंने तुअर की दाल जो है वो भी भिगा के रखी थी 10 से 15 मिनट, वो भी हो गई है। तो उसके बाद जो कुकर है उसमें हम दाल डाल देंगे, तुअर की जो दाल हमने भिगो के रखी थी वो हम डाल देंगे, और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा, थोड़ा पानी डाल देंगे, ठीक है। जैसे एक कटोरी ये है तो उससे थोड़ा ज़्यादा हम पानी डाल देंगे, और उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे एकदम, और डाल देंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे ही मिक्स करके और हम लगा देंगे सीटी। तो सीटी आप चाहे तो 4-5 एक साथ लगा सकते हैं हाई फ्लेम पर मैं प्रेफर करती हूँ कि 2 सीटी हाई फ्लेम पर और 1 सीटी लो फ्लेम पर लगाएं, और 1-2 मिनट लो फ्लेम पर रहने दें। और ये देखिए दाल इस तरीके से हमारी गल जाती है, ठीक है। तो दाल को अच्छे से विस्क कर लेना है कि दाल एकदम पतली हो जाए, क्योंकि सांभर की जो दाल है वो एकदम पतली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से विस्क कर लिया है, इसमें हम थोड़ा और पानी डाल देंगे क्योंकि हमको एकदम घाटी नहीं, थोड़ी मतलब पतली दाल बनानी है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कुछ सामान डाल देंगे, जैसे कि लंबे प्याज, मतलब मोटे प्याज काट के डाल देंगे डायरेक्ट इसमें, और उसके बाद गाजर बड़ी कटी हुई और हरी मिर्ची भी कटी हुई ये डाल देंगे। कुछ इंग्रेडिएंट्स हमको डालने रहते हैं, जैसे ये आलू भी डाल देंगे हम इसमें, सब बड़े बड़े काट के डालने हैं, और टमाटर डाल देंगे। याद रखें कि इसमें मैंने अभी ड्रम स्टिक्स नहीं डाली है, ठीक है, तो वो हम बाद में डालेंगे, नहीं तो ये पूरी तरीके से गल जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैंने नमक ऐड कर दिया है, नमक डाल लेना है अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मतलब थोड़ा तीखा खाते हैं तो ज्यादा डालिए। उसके बाद थोड़ा एक सवा चम्मच हम गुड़ डाल देंगे यहाँ पे, अगर आपके पास पाउडर है या फिर आप उसको काट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो इमली का पानी हमने स्टार्टिंग में भिगोया था ना, वो इमली का पानी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि जो सांभर है वो थोड़ा खट्टा मीठा होता है, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, और सांभर मसाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सांभर का टेस्ट आना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे स्पून 2-3 चम्मच इसमें डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके और इसको हम सीटी लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 सीटी लगाई थी वैसे, पर आप 1 सीटी अभी लगा सकते हैं, और क्योंकि ड्रमस्टिक्स नहीं डाला है तो ये खोलने के बाद हम ड्रमस्टिक्स भी डाल देंगे। तो ये देखिए सीटी लग चुकी है, मतलब 1-1.5 सीटी आप लगा सकते हैं, 2 सीटी आप अंदाजे से लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ड्रमस्टिक्स डाल देंगे, ये देखिए जैसे इसमें डालेंगे। उसके बाद ड्रमस्टिक्स को ना 1 सीटी बहुत हो जाती है, और 1 सीटी लगा के भी आप इसकी हवा आपको निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि ड्रमस्टिक्स गल जाते हैं और एकदम अगर अलग अलग हो जाते तो बिल्कुल मजा नहीं आता है खाने में। इसके लिए इस तरीके से आपको बनाना है, 1 सीटी लगा के उसकी हवा निकाल देनी है थोड़ी देर में, ठीक है। फिर ये हमारा सांभर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो अभी हम इसमें तड़का लगा लेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप कड़ी पत्ता भी डालिए, ठीक है। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था तो मैंने इसमें तेल डाला है, हींग डाली है, और इसमें डाल देंगे राई। तो ये देखिए राई भी थोड़ा चटके, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, और इस तरीके से ये जब थोड़ा चटकने लगे तो हम तड़का दे देंगे दाल में, और ये देखिए इस तरीके से दाल में तड़का दे देना है। बहुत ही टेस्टी सांभर बनता है, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे प्लीज बताइए ये कैसा बना। तो आज हम बनाने वाले हैं इडली बिना स्टैंड के, तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है इडली बिना स्टैंड के, ताकि आप सांभर के साथ एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे मैंने भिगो लिया है दाल, भिगोई है उड़द दाल, और साथ में थोड़ा सा मेथी दाना लिया है, और चावल भी भिगोए हैं। तो चावल यहाँ पे मैंने 1-1.5 कटोरी लिया है, और जो दाल है वो मैंने लिया है 1/2 कटोरी। तो आप इस हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं, आप कितने लोगों के लिए भी बना सकते हैं। तो
मैंने ना रात को भिगो के रखा था, और दिन में मैंने नेक्स्ट डे दिन में मैंने ये ग्राइंड कर लिया, इसको अच्छे से धो के, और मैंने दोनों को ग्राइंड कर लिया अच्छे से। और ग्राइंड करते वक्त ना थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी इसलिए ऐड करना है, पानी बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं ऐड करना है, सिर्फ इतना ऐड करना है ताकि हमारा जो मिक्सचर है ये अच्छे से मिक्स हो पाए, ग्राइंड हो पाए ग्राइंडर में। तो ये देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट हो गया है, पर बहुत ज़्यादा ओवर ग्राइंड नहीं करना है कि वो पूरा पानी पानी हो जाए। इस तरीके से कॉर्ड्स ग्राइंड करना है हमको, इस तरीके से रहना चाहिए कि दाल चावल दिखे ना, पर इस तरीके से उसका पार्टिकल्स हाथ लगाएं तो हाथ में आए पार्टिकल्स, ठीक है। फिर हम इस बैटर को एक बाउल या जो भी आप बड़ा बर्तन ले ले थोड़ा, उसमें हम शिफ्ट कर लेंगे ये देखिए। और इसको हम ना एक कपड़े से ढक देंगे और किसी डार्क प्लेस में हम रख देंगे थोड़े घंटों के लिए। तो ये मैंने दिन में पीसा था, तो मैंने रात को इसकी इडली बनाई थी, ठीक है। तो ये देखिए रात को मैंने ओपन किया है, मतलब करीबन 7 से 8 घंटे के बाद। तो ये देखिए फोमेंट हो चुका है, जितना इसको फोमेंट होना था ये हो चुका है अच्छे से। ये देखिए फोमेंट हो चुका है, फोमेंटेशन इसका जरूरी है जिससे इडली सॉफ्ट भी बनेगी अच्छी भी बनेगी। तो ये देखिए इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम इडली बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तब डलता है जब हम डोसा बनाते हैं। अभी हम इडली बना रहे हैं तो इसका जो बैटर है वो थोड़ा थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है इतनी होनी चाहिए। ये देखिए इडली बनाने के लिए इतनी कंसिस्टेंसी बहुत है, जैसे आप खमन बनाते हैं या कुछ, तो उस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक, आप टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है टेस्ट तो आप मिक्स करके वापस से टेस्ट करके देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और फिर मैंने डाल दिया है यहाँ पर बेकिंग सोडा थोड़ा सा, ताकि फूल जाए अच्छे से, फूले हमारी इडली, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके, और फिर हम क्या करेंगे ना, एक टिन ले लेंगे, मैं आपको दो टाइप से बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक टिन ले लिया है, और टिन में हम ना ऑयल से थोड़ा ब्रशअप कर देंगे इसको, इस तरीके से ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि जब हम बाद में बनाने के बाद ठंडा हो जाए ना तो इजीली निकल जाए इसके लिए। तो इसके बाद हम यहाँ पे बैटर डाल देंगे, बैटर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि वो फूलेगा भी। तो इतना बैटर मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि मैं आपको सेकेंड जो चीज़ है उससे मैं दिखाने वाली हूँ कि हम बाउल में जो गोल इडली होती है वो भी सेम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें स्टैंड डाल दिया है, पानी डाल दिया है, और उसको प्री हीट कर लेना है आपको 5 मिनट। और उसके बाद हमने ये डाल के, और ऊपर का जो कवर है ना उसको मैंने पहले कपड़े से ढक दिया था, उसके ऊपर कुछ भारी सा रख दिया और इस तरीके से इडली बनने को रख दिया। अगर आप डायरेक्ट कांच वाला जो कवर है वो रखेंगे ना तो पानी पानी आता रहेगा, इसके लिए हमको कपड़े से कवर करना ज़रूरी है ताकि पानी ना आए और इडली अच्छे से बन जाए, ठीक है। अभी दूसरी मेथड है जिसमें मैंने कटोरियों को ब्रश कर दिया है तेल से, और अगेन ये जो बैटर है ये तीनों कटोरियों में थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो इडली नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा मोटा और बड़ा ऐसे हो जाएगा और शायद अंदर से कच्चा भी रह जाए, ठीक है। तो चलो अभी हमने डाल दिया है, और यहाँ पे हमारी इडली जो है मैंने हाई फ्लेम से रखी थी, 5 से 7 मिनट में आराम से ये पक जाता है। तो आपको बीच में चेक करते रहना है कि पानी ख़त्म नहीं हुआ है या फिर इडली हमारी पक गई है क्या, ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए नाइफ डाल के देखिए एकदम क्लीन आ रही है, मतलब हमारी इडली वाली हो चुकी है। तो अभी मैंने ना दूसरी कढ़ाई ली, ये बड़ी कढ़ाई है, अगर आपको बाउल में बनाना है तो मैंने बड़ा प्लेट लिया है, थाली ली है, और उसमें चारों कटोरी में रख दिया है, और ऊपर से जिसमें हम आटा गूंथते हैं ना वो वाला मैंने इसके ऊपर से ढक दिया है, ठीक है। और ये देखिए हमारी ये वाली इडली भी रेडी हो चुकी है। आई रियली होप कि आपको इडली सांभर की ये वाली रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अमेजिंग लगी होगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी ऐसी रेसिपी